संगीतर जी आप तस्वीर लाए हैं, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हम सबके हार्दिक अजीज और हमारे चहीते लाडले नौजवान हाजी असल शेख साहब, हमारे आमदार भी तस्वीर लाए हैं, मैं चाहूंगा उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। गर्म जोशी के साथ भाई आपके खासदार आमदार सब मौजूद हैं और डॉक्टर राम बालू साहब, हमारे फारूक आजम साहब और तमाम यहाँ पे लोग मौजूद है। साकेत टेंस के हमारे रिजवान सिद्दीकी साहब, उनके चेहरे पे रौनक देखिए, उनका मुस्कान बता रहा है कि आप लोग इनके परिवार की तरह से इनका साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। और मैं चाहूंगा रिजवान सिद्दीकी साहब तस्वीर लाए और आप अपनी बात को आगे बढ़ाए। मेरी बात तो खत्म ही नहीं हुई। गोपाल शेट्टी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ बता रहे हैं हमारी एक आवाज पर, इतना सहयोग आपने दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब आपके लिए बहुत देर से इंतजार भी कर रहे थे, आपके लिए बैठे थे। और ये मैंने बताया कि ये तो ऐसा स्टेज है कि जहाँ सभी पार्टियों के लोग बड़े, देखो कितना आराम से बैठते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है इस बात की अच्छा लगता है। तो अभी अभी तो आए हैं तो शेट्टी साहब इतनी जल्दी तो थोड़ा सा तो रुकना पड़ेगा, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपके हाथों से कुछ लोगों का स्वागत कराओ, प्लीज आप अगर स्टेज पर आए। उत्तर मुंबई जिला के एमपी खासदार गोपाल शेट्टी साहब। शेट्टी साहब ये आप शायद वहां से देख रहे थे, बहुत सारी कॉपियां, ये इसलिए है कि इस अखबार को 10 साल हो गए और उससे पहले शायद आपको याद नहीं हो, मैं टीवी पर एक शो चलाता था जिसमें आपका आप नगर से होते जब इंटरव्यू भी लिया था। तो 10 सालों से जब मैं काम कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, तो मैंने सोचा कि सबको स्वागत होना चाहिए। देविका से सीनियर एक्टर, अभी सीनियर हो गए। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अच्छा तो वही बेटे, पहले मैं आपको शुभेच्छा दूँ। हेलो मिस्टर रिजवान सिद्दीकी जी का और उनकी पूरे टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग और हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जी उम्मीद थी कि गुंजन जी कुछ कहेंगे लेकिन कहा नहीं, कोई बात नहीं। गोपाल शेट्टी जी की पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये तो सम्मान छोटा सा, हमको इस लायक नहीं है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, हम सबके खासदार हैं। हाँ ये हुई ना काम की बात। हाँ